हम लोग उज्जैन महाकाल देखने के बाद निकले हैं काल भैरव के लिए, काल भैरव जी का दर्शन करने के लिए। बट रास्ते में एक दो मंदिर है, उससे पहले काल भैरव जी के मंदिर से पहले तो वहाँ दर्शन करके रास्ते में जो भी आएगा फिर हम आपको लास्टली दिखाएंगे काल भैरव जी का मंदिर। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कौन सा मंदिर आता है, वो हम लोग ऑटो वाले भैया दिखाते हैं। मुख्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला, भगवान श्री कृष्ण यहीं पे शिक्षा लिए थे ना पैदल आकर के मथुरा से, बलराम जी भी और सुदामा, बलराम जी मुख्य मंदिर है। गोमती कुंड, इसमें श्री कृष्ण जी नहाते थे। चलना है नहाने, नहाने तो नहीं जाना है, भगवान कृष्ण नहाए हैं। Oh my God. कछुआ है, श्री कृष्ण के पाठशाला, यह है श्री कृष्ण की पाठशाला। वहाँ से शुरू होता है 64 कला की पाठशाला। पहला गीत, फिर वाद्य, तीसरा नृत्य, नृत्य भी सीखा, और ये चौथा अलख्य, बहुत सारा है, बाकी आप लोग नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा। ये मंदिर सब भी वहीं की है, कृष्ण जी की पाठशाला के यहाँ का, ठीक है। इसके अंदर है श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं, अब क्या क्या विद्याएं है अंदर, समष्टि बाकी तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद आता है मंगलनाथ मंदिर, जो हम लोग चलिए देखते हैं। अब तो हम लोग आ गए हैं अब काल भैरव को दर्शन करने, भगवान भोलेनाथ की सेनापति। अंदर का दृश्य दिखाएंगे आप लोगों को आगे चलने के बाद। काल भैरव के दर्शन के लिए भीड़, बहुत भीड़ है, महाकाल के जैसा ही भीड़ है यहाँ भी ना, लगभग बराबर है। यहाँ भी दीप जलता है, यहाँ बालक है या बालिका है, श्री काल भैरव फोटो खींचिए, खड़ाइए भी कीजिए कम से कम, आप इतना भी तो नहीं कर सकते हैं। श्री काल इतना भीड़ ना, माता सीता मैथिली है किसी महाराज के यहाँ आए हैं। काल भैरव गजब का पूरे ओहार गमछा मटकूर करने के लिए महाकाल, महाकाल बोलते हैं सॉरी, श्री काल भैरव मंदिर गेट। हम तुमको एक चीज, काल भैरव मंदिर अभी तो बहुत अंदर बाकी है जाना, पिछले 2 घंटे से करीब उससे ज्यादा से धूप में खड़े थे हम लोग लाइन बना करके। बंदर सब अंदर में भी कूद रहा है, ले ली। वहाँ के बाद फिर मोबाइल अंदर चलाने नहीं दिए, बट ये काल भैरव जी हैं तो हम लोग इनका ही दर्शन करने गए थे। ओके।